दुख, तकलीफ, समस्या और परेशानी सबके जीवन का हिस्सा होता है, पर जो इन सब से ऊपर निकलकर अपने मुकाम को हासिल करे वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। बिहार की रहने वाली सृजा भी बेहद कम उम्र में दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सृजा ने बिहार में CBSE की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। सृजा इतनी सी उम्र में बहुत दुख झेल चुकी है। नानी ने जब सृजा की जिंदगी के उन पलों को बताया तो उनकी आंखें भी नम हो गई। CBSE बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बिहार की रहने वाली सृजा ने 10वीं की परीक्षा में राज्य में टॉप किया है। उन्होंने 99.4% अंक हासिल किए हैं। सोशल मीडिया पर सृजा के संघर्षों की कहानी वायरल हो रही है, जिसे सुनकर हर कोई उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। एक वीडियो में सृजा की नानी बताती है कि सृजा के जन्म के 4 साल बाद ही उसके सिर से माँ का साया हट गया था। माँ के गुजरने के कुछ समय बाद पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया और दूसरी शादी रचा ली। सृजा अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी, वहीं रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अब 10वीं में बिहार टॉप कर इतिहास रचा दिया। सृजा की नानी कहती है कि उसके पिता ने दूसरे शादी करने के बाद कभी बच्चे का मुंह नहीं देखा, वो कभी बेटी से मिलने नहीं आए, लेकिन आज उन्हें पछतावा हो रहा होगा। आज जो जश्न उनके घर पर हो रहा है वो सृजा के पिता के यहाँ पर हो सकता था। सृजा की उपलब्धि पर नानी बेहद खुश हैं। वो कहते हैं, हम तो पाल लिए, अब वो पछताएगा। जाहिर तौर पर सृजा ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद जमकर मेहनत की और वह सभी के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं, पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं, आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता, आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे, बच कभी नहीं आए, दूसरी शादी कर लिए और कभी नहीं आए बच्चों को देखने के लिए, कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं, पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं, आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता, आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे बच्चे, कभी नहीं आए, दूसरी शादी कर लिए और कभी नहीं आए बच्चों को देखने के लिए, कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले।